subscribe yet, do subscribe, and to never miss a video from my channel, click on the bell button. Hi guys, welcome back to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं एक और कॉमन ओडिया डिश जिसे हम ओडिया में जॉन्ही आड़ू पोस्तो बोलते हैं. ये एक पोटैटो और रिज गाउड या जिसे हम तुरई बोलते हैं उसकी सब्जी है जिसे हम पॉपी सीड्स और गार्लिक के पेस्ट में बनाते हैं. तो चलिए बनाते हैं इसे. अब हमें गार्लिक और पॉपी सीड्स की एक पेस्ट बनानी है जिसके लिए मैंने यहाँ पे 8 बड़े पीस गार्लिक लिया है. इसमें हम ऐड करेंगे 5 से 6 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स. और इसे ग्राइंड करके कुछ इस तरह की पेस्ट बना लेंगे. यहाँ हम लेंगे आलू और तुरई जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे. मैंने कढ़ाई गैस में चढ़ा लिया है. कढ़ाई गर्म होते ही इसमें हम ऐड करेंगे तेल. तेल गर्म होते ही इसमें हम ऐड करेंगे पंचफोरन. पंचफोरन क्रैकल करते ही हम इसमें पॉपी सीड्स और गार्लिक की पेस्ट ऐड कर लेंगे. इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें और ग्रेवी में थोड़ा सा उबाल आने तक हाई फ्लेम में पकाएं. ग्रेवी में उबाल आते ही इसमें ऐड करें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक. इन सब को अच्छे से मिला लें. ग्रेवी में थोड़ा सा उबाल आते ही फ्लेम को लो कर लें और इसे ढक के करीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएं. देखिए ग्रेवी में से कितने अच्छे से तेल निकल गया है. तो ये ग्रेवी अच्छे से पक गया है. अब हम इसे एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसमें अभी हम ऐड करेंगे कटे हुए आलू और कटे हुए तुरई. इन सब को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक आलू और तुरई अच्छे से पक नहीं जाते. हम इस सब्जी में पानी यूज नहीं करेंगे क्योंकि तुरई में से ही पानी निकलता है और उसी से तुरई और आलू दोनों पक जाएंगे. तो इसमें आप पानी का इस्तेमाल ना करें. ये सब्जी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है. आलू भी अच्छे से पक गया है. तो अब हम इसे प्लेट कर लेंगे. ये जॉन्ही आलू पोस्तो बिल्कुल तैयार हो गया है. आप इसे रोटी चावल के साथ खा सकते हैं. आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें. अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.